Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Today we are going to learn how to use float data type in Python. तो Python पर float data type का कैसे use करना है, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा. तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले मैं Python का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है. अब यहाँ पर हमें न्यू फाइल लेनी है, यहाँ से न्यू फाइल हमने ले लिया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है. अब जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उनको यहाँ पे टाइप करना है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ करूंगा इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा में लिखूंगा एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है, डबल डॉट कॉमा क्लोज, ये ब्रैकेट भी क्लोज. नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम यहाँ क्या देंगे, बी इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है. पहले हम वहाँ इंट इनपुट देते थे, यहाँ सिर्फ इनपुट देना द सेकेंड नंबर, ठीक है, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, क्लोज करेंगे. नीचे आएंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको अब डिफाइन करना है. एक तीसरा वेरिएबल भी हम बनाएंगे जो ऐड नाम का होगा. ऐड इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं ऐड इज इक्वल टू फ्लोट. चूंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ सीख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे फ्लोट, ठीक है, और जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम. तो हमने एक वेरिएबल बनाया ए, तो ए को यहाँ ब्रैकेट में करिए, ठीक है, और प्लस करिए, अगर आपको ऐड कराना है तो प्लस करिए, अगर मल्टीप्लाई कराना है तो इनटू करिए, जैसा जो कराना है वैसा करिए. यहाँ लिखेंगे फिर हम फ्लोट, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज ओपन करेंगे ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है, चूँकि दूसरा वेरिएबल बी है, यहाँ बी लिख लिया हमने. और बी लिखने के बाद हमें इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट कहाँ से होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे वो चीज़ें देंगे जैसे सम ऑफ टू फ्लोट नंबर्स, फ्लोट नंबर्स इज, जो भी सम आएगा यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो सम ऑफ टू फ्लोट नंबर्स इज जो भी है, ठीक है. तो पहला फ्लोट नंबर है, मतलब जो वेरिएबल हमने बनाया है वो ए है, कॉमा देंगे एंड, एंड को भी डबल इंटेड कॉमा में रखना है आपको. बी, ठीक है, इज, इज को भी डबल इंटेड कॉमा में रखिए, ठीक है, और ऐड में जाके स्टोर होगा तो यहाँ पे ऐड लगा दीजिए आप. इसको करिए क्लोज. अब यहाँ पर आपको करना है इनपुट ताकि स्क्रीन पॉज हो सके, होल्ड हो सके स्क्रीन. अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है. चलिए सेव करते हैं इसको, यहाँ से जो भी नाम दे दें हम, ठीक है, डॉट पी वाई लगाना मत भूलिएगा. बस हमारा काम हो चुका है. ये देखिए इसी नाम से पहले भी सेव है, तो इसमें कुछ चेंज कर देते हैं हम. अब ये सेव हो गया, अब यहाँ से इसको रन करवाना है. ये देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है 7.9, ठीक है, एंटर किया हमने. अब यहाँ 6.6, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेगा ये. तो यहाँ देखिए 7.9 और 6, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आंसर आ गया हमारा. बहुत ही इजी है, आप फ्लोट का भी यूज़ बहुत ही इजीली कर सकते हैं. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो इसे खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.